न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग है, आप लोगों को देखकर मन एकदम खुशी से झूम उठेगा और हर हर महादेव का आज का व्लॉग है, जो कि एक नाम का मोहताज नहीं है, विकास सिंह भैया है जो हर साल ले जाते हैं सभी को बोलबम का यात्रा कराते हैं। वो भी एक रुपया नहीं लेते हैं, खाना पीना रहना और सारे मतलब कि आने जाने का भाड़ा सब कुछ फ्री में वो अपने तरफ से करते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है और भगवान इनको इतनी खुशियाँ दे ताकि ये हमेशा ऐसे ही करते रहें। तो आप लोग बने रहिए, मैं दिखाती हूँ चलती हूँ तो कि कितनी बढ़िया से ये व्यवस्था किए हैं और कितने भीड़ है। ऐसा यात्रा आप लोग कभी नहीं देखे होंगे बोलबम का, देवघर का। और सभी गरीब या ज़रूरतमंद जो नहीं जा पाते हैं वैसे लोगों को ले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मनोरंजन के साथ गाते बजाते झूमते हुए लेके जाते हैं वो विकास भैया जी। और भगवान करे कि हमेशा ऐसे ही लेके जाते रहें, सभी को खुशियाँ बांटते रहें। अब कभी भोले बाबा इनको किसी चीज़ का कमी ना दे, हमेशा जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को छोटा सा ब्लॉग कि कैसे वो लेके जा रहे हैं, कितनी भीड़ है। आप लोग महादेव का आशीर्वाद जरूर लीजिए। दो वर्ष यात्रा नहीं हुई थी और मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से कि भोले आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, केवल नाम मेरा हो रहा है। करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, केवल नाम मेरा हो रहा है। और मैंने तो भोलेनाथ से ही कहा सुबह पूजा करके कि भोलेनाथ मेरी लाज रखना, क्योंकि मैं बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं ताकतवर बलवान व्यक्ति नहीं हूँ। भोलेनाथ को मैंने कहा कि भोलेनाथ मेरी लाज रखना और जब तक मेरी सांसें चलेगी, मैंने कहा जाए कि जब तक मेरी सेज चिता में ना सज जाए तब तक मुझे काम करने का सुअवसर बाबा आप देते रहो। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आईबे तोर दुआरी। ये भोले बाबा पैदल ही आईबे तोर दुआरी, बोलबम के नारा बा बाबा एक सहारा बा, बोलबम के नारा बा। देखिए कैसे भीड़ में देख सकते हैं दोस्तों, कितनी भीड़ है और कितनी लोग इसमें शामिल है कि अनगिनत दिख रहे हैं लोग। सभी लोग यहाँ पर आए हैं स्वागत में उनका कि जा रहे हैं तो बधाई देने के लिए, यात्रा मंगलमय हो इसलिए सभी भाई बहन आए हैं और शामिल हो रहे हैं। तो बहुत ही गर्व की बात हो रहा है। और भैया देखिए कितने बढ़िया से चल रहे हैं आगे आगे और बिना किसी संकोच का, और भोले बाबा का पूरा साक्षात आशीर्वाद है इन पर, तो ऐसे ही बना रहे। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ थी, कितने ही उत्साह से सभी लोग जा रहे हैं और बोलबम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। और इसमें गाना बज रहा है इसलिए मैं गाना को म्यूट की हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छा गाना बज रहा था लेकिन कुछ यूट्यूब का रूल है, इस कारण से मैं गाना को म्यूट की हूँ। तो आप लोगों को एक कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और भोलेनाथ माँ पार्वती मैया इनको इतनी खुशियाँ दे, इतनी तरक्की दे, इतनी बरकत दे कि हर साल 1100 ले जा रहे हैं अभी सभी भक्तों को। तो इनको ऐसा करें कि लाखों लोगों को लेके जाएं, सभी का आशीर्वाद मिले। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं और खूब खुशी मनाते हुए जाते हैं, हर जगह टेंट लगा करके वहाँ खाना पीना व्यवस्था और मनोरंजन के लिए सभी भगवान लोग बनते हैं, कलाकार लोग, और गाते बजाते हुए लोग जाते हैं। तो मैं ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को झांकी दिखाई ताकि आप लोग भी देख सकें। और बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए 6 महीना पहले से ही इंतजाम करने लगते हैं भैया, और बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। अब भोले बाबा का आशीर्वाद तो इनके सर पर है और हमेशा बना रहे, यही मैं कहूँगी। और यहाँ ना दुनिया में ना सभी लोग खराब नहीं होते हैं, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं। तो उसी में से एक भैया है अच्छे, जो सभी लोगों को ले जाते हैं और हमेशा ले जाते रहे, यही मैं कहूँगी। आप लोगों ने कभी ऐसा यात्रा देखा है कि किसी को 1100 आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते हुए देवघर या कहीं यात्रा कराते हुए किसी को, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये भैया ले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ दुख सुख बीमारी सब कुछ का इलाज का सब व्यवस्था, डॉक्टर का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, हर चीज़ का पानी खाना सब कुछ। तो सबका आशीर्वाद जो मिलता है ना बहुत बड़ी बात होती है, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। रुपया पैसा तो सभी लोग खरीद सकते हैं कुछ भी, लेकिन आशीर्वाद सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं, वो सिर्फ दिल से जीता जाता है। आशीर्वाद दिल से निकलता है ना जो दुआ, वो पैसा से कभी खरीद नहीं सकते हैं, ये अनमोल होता है। तो आप लोग भी
यही कहेंगे कि आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी के चेहरे पर खुशियाँ बांटते रहिए, जैसे भैया बांट रहे हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी के दिल पर, किसी के मुस्कान का काबिल बनूँ, किसी की मुस्कुराहट का मैं अपना को धन्य समझूँ, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके ऐसे मेरे को भगवान शक्ति दे कि मैं भी किसी का मुस्कुराहट का कारण बनूँ। तो जय हिंद, जय भारत, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। हमेशा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पेज पर होंगे तो फॉलो कीजिएगा। फिर मिलूँगी दूसरे ब्लॉग या लाइव में, तब तक के लिए हमेशा अपना ख्याल रखिए।